फ्रेंड्स, आज हमें बनेबा बहुत ही पॉपुलर पाव भाजी मसाला। ये बहुत ही चटपटा रेसिपी, ठंडा दिने आकु घरे निश्चय थरे बनांतु। ए वीडियो रेसिपी को शेयर करी अन्य मानन को निश्चय सिखांतु। वीडियो तळे केमती लागिला कमेंट करी मते निश्चय जणेबे। ता पूर्वरु आपण मो चैनल को सब्सक्राइब करंतु आ साइड रे थिबा बेल आइकन को नुवा रेसिपी रो नोटिफिकेशन पे निश्चय क्लिक करो। पाव भाजी मसाला बनाय पे मोठरे 4 रु 5 टी सिझा आळू नेची, ता संगरे अल्प किछि स्वीट कॉर्न, अल्प किछि कटा हेतिबा ग्रीन कैप्सिकम, ता सहित हमकु अल्प किछि ग्रीन मटर दरकार। मु एठारे दुईटा मीडियम साइज रो टमाटर रो प्यूरी बनेची, ता सहित अल्प टिके हळदी पाउडर, कटा हेतिबा गोटे प्याज, ता सहित गोटे इंच अदा ओ दुईटा कंचा लंका को मोठरे छोटो छोटो पीस रे काटि कि रखीची, ता सहित अल्प किछि धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, स्वाद हिसाब रे लुण नेची मुठारे, ता सहित मुठारे पाव भाजी मसाला नेची। ए पाव भाजी मसाला आपण को मार्केट रे बहुत इजीली मिलिबो। ता सहित हमकु बटर दरकार। प्रथमे आमे सिझा आळू को भलो भाबरे स्मैश कर नबा, एंती आपण चकटी नियंतु। एबे गोटे कढ़ई रे आमे गोटे बड़ क्यूब साइज बटर गरम करिबा। बटर जेमती न जळिबो सेथिर अल्प टिके तेल ऐड करिबा। बटर भल भाव मेल्ट हला परे एबे सेथिरे कटा हेतिबा अदा ओ कंचा लंका पकेबा। आ अदा ओ कंचा लंका को गोटे रु 2 मिनिट हल्का टिके फ्राई कर नबा। ई देखंतु अदा ओ कंचा लंका टिके फ्राई हे गेलानी। एबे सेथिरे गोटे कटा हेतिबा प्याज पकेबा। आ ये प्याज को हल्का फ्राई कर नबा। ई देखंतु प्याज हल्का फ्राई हे गेलानी। एबे सेथिरे कटा हेतिबा कैप्सिकम, स्वीट कॉर्न, ता सहित ग्रीन मटर, ए सब जिनस को एबे 2 रु 3 मिनिट आमे मीडियम फ्लेम रे हल्का फ्राई कर नबा। एबे सेथिरे दुईटा मीडियम साइज रो टमाटो प्यूरी पकेबा। स्वाद हिसाब रे आमे लुण पकेबा, ता सहित गोटे बड़ चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हळदी पाउडर, ता सहित गोटे बड़ चम्मच धनिया पाउडर। ए सबु मसला को बे भल भाव मिक्स करी नबा। भल भाव मिक्स हेले ए मसला रे अल्प टिके पानी ऐड करी एबे आकु कवर करी 5 रु 6 मिनिट लो फ्लेम रे कुक करी नबा। 5 रु 6 मिनिट परे कवर काट के देखिबा मसला बे बढ़िया भाव कुक हे गलानी। आ परिबा भी हमर भल भाव सिझी गलानी। एबे सेथिरे प्रथम रु आमे जो चकटी की सिझाळू रखितले ताकु पकेबा। ए पाव भाजी रो रेसिपी को आपण अन्य मानक सहित शेयर करी से मानको निश्चय सिखांतु। एबे सेथिरे 2 बड़ चम्मच पाव भाजी मसला पकेबा। ए पाव भाजी मसला रु ही ए भाजी रे टेस्ट आसीबो। एबे आळू को मसला सहित भल भाव मिक्स कला परे एबे सेथिरे 2 रु 3 कप आमे पानी ऐड करिबा। सबु जिनस को भल भाव मिक्स करी एबे कवर कला परे 5 रु 7 मिनिट ताकु लो फ्लेम रे आमे कुक होबा को दबा, जेंति सबु जिनस भल भाव मिसी जिवो। 5 रु 7 मिनिट परे एबे कवर काड कि देखिबा हमर भाजी बढ़िया भाव कुक हे गाढ़ा ही हेची। एबे आकु गोटे डंकी या फिर स्पैटुला रे एमती आमे स्मैश करि नबा। याकु आपण एमती भल भाव स्मैश करंतु हेले भाजी आमर बढ़िया स्मूथ आउ गाढ़ा टेक्सचर रो बनिबो। ए रेसिपी को आपण अन्य मानक सहित शेयर करी से मानको निश्चय सिखांतु। आ वीडियो तळे कमेंट करके मते जणंतु आपनको केमती लागिला। एबे आमर मसाला भाजी बनी कि पूरा पूरी रेडी अछि। ता सहित आमे पाव को टिके गरम करनबा। गोटे तावा रे भल भाव आमे बटर लगेबा। आ ये गरम बटर रे आमे पाव को हल्का दुई साइड रु सेकि नबा। ए बटर रे टोस्ट करथिबा बन को आमे भाजी सहित सर्व करिबा। एबे दुई पट साइड रु हल्का फ्राई हे गलानी ताको गोटे प्लेट रे काढ़ी नबा। एबे गोटे थाली रे एमती आमे बटर लगा बन रखिबा, ता सहित आमे एठी भाजी सर्व करिबा। ए टेस्टी पाव भाजी मसला को आपण ए ठंडा दिने गरम गरम बनी फैमिली सहित एंजॉय करंतु। ये बहुत ही टेस्टी लागिबो। ऊपर किछि कटा हेतिबा धनिया पत्र, ता सहित साइड रे अल्प किछि कटा हेतिबा लेंबू, आ गोटे क्यूब साइज रो बटर दबा, ता सहित अल्प किछि कटा हेतिबा प्याज सर्व करिबा। एबे आमर पाव भाजी मसाला खाइबा को पूरा पूरी रेडी अछि।
ଏହାକୁ ଆପଣ ଏମିତି ସର୍ଭ କରି ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ତଳେ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଏ କେମିତି ଲାଗିଲା। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ବି ଜମାରୁ ବି ଭୁଲନ୍ତୁନି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଙ୍ଗ।